ये कोरोना साजिश के तहत राष्ट्रीय जनता दल के देश स्तर के नेता और सिवान के लोकप्रिय पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को एक साजिश के तहत दिल्ली में इलाज के क्रम में मार दिया गया है और उनका जो रिपोर्ट अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि निगेटिव है, लेकिन वहां एक दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उनको मार दिया गया है कोरोना साजिश के तहत, जिससे राष्ट्रीय जनता दल को और सिवान को काफी क्षति हुई है और मैं बहुत दुख भाव से और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि वो सिवान के लोकप्रिय नेता थे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इस कोरोना काल में जितने एक्टिव विपक्षी नेता हैं, उनको इसी कोरोना काल में किसी भी न किसी षड्यंत्र के तहत मार देना चाहते हैं। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी से हाथ जोड़ करके ये आग्रह करता हूं कि आप लोग सिवान और बिहार का जलाने वाला काम बंद कीजिए और जनता के भावनाओं को समझिए, और जिस तरह से जहे तहे लोग मरे जा रहे हैं और आप लोगों कोई इस पर गंभीर नहीं संज्ञान ले रहे हैं, जिस तरह से प्रत्येक जिला को बिहार में पांच पांच सदर हॉस्पिटल को वेंटिलेटर प्राप्त है, लेकिन आज एक साल में सिवान के अंदर एक भी वेंटिलेटर नहीं लगा है, पूरे बिहार में किसी जिला के अंदर किसी सदर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, जिससे काफी लोग मर रहे हैं और आप लोग जो षड्यंत्र करके सिवान के लोकप्रिय नेता को जो दिल्ली में मरवाने का काम किया है, इसका परिणाम जरूर मिलेगा भाजपा और जदयू के नेताओं को और सिवान के कुछ नेताओं को। मैं इस पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब को निगेटिव रहते हुए उनको पॉजिटिव बता करके एडमिट किया गया और उनकी ये हत्या हुई है, इसका मैं सीबीआई जांच का मांग करता हूं। रविंद्र उर्फ गब्बर यादव राजद नेता, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष,